बाप के बाद अच्छा शोहर, बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। अक्सर मर्दों को ये शिकायत रहती है कि शादी के कुछ अरसे बाद बीवी के साथ वो मोहब्बत नहीं रहती जो शादी से पहले सोची जाती है या शादी के शुरू के दिनों में होती है। एक शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, मेरी शादी को कुछ अरसा गुजर चुका है और अब मुझे मेरी बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, इंसान के पास जो नेमत नहीं होती तो वो उसी की तमन्ना करता है और जब वही नेमत उसको मिल जाती है तो वो उसकी नाशुक्री करना शुरू कर देता है। जब किसी की शादी नहीं हुई होती तो वो उसकी तमन्ना करता है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो और कुछ अरसा गुजर जाता है तो किसी और की तमन्ना करने लगता है, जो कि अल्लाह पाक की नाशुक्री है। जब तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी शादी अल्लाह पाक का फैसला था और मेरा रब जो करता है बेहतर करता है, तो तुम कभी भी कुछ ऐसा ना सोचो। बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं। जमाना अफलास मुसीबत में सब अहबाब अलग हो जाते हैं, मगर बीवी हर हाल में मर्द का साथ देती है। इस तरह बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है, किसी दोस्त से या किसी अपने से नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। अपनी बीवियों से प्यार कीजिए और उनकी कदर कीजिए।